अपना परिचय। मेरा नाम सतीश रुस्तम है, मैं हरियाणवी नाटक और फिल्मों में काम करता था पहले, जैसे सपना हरा, मेरमेला है और ये सभी मेरे साथी हैं जितने भी हैं। ओविंदर जिंदानी उसके डायरेक्टर रहे हैं, सपना चौधरी के और मेरे गांव के हैं मुकेश जाजी और अमन जाजी, वो भी मेरे द्वारा इस लाइन में आए हैं क्योंकि उससे पहले आए थे जाजी किंग, जो हरियाणा के सुपरस्टार माने जाते हैं, हरियाणा के जो टॉप के सिंगर हैं वो माने, तो मेरे स्टूडेंट हैं, पहले गाड़ी वाड़ी चलाते थे, फिर उनको मैं इस लाइन में ले आया फिल्मी लाइन में, तो उनको उन्होंने सिंगिंग सीख ली और बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, आज नाम है उनका और मेरे जो गुरु का जो मान सम्मान है वो वीडियो भी दे रखे उन्होंने, तो मानते अच्छा, तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे वो पता नहीं अचानक क्या हुआ, जैसे वो भजन गाते थे ना, मैं भी वहाँ बैठता था तो मेरे को एक हरकत सी होती थी शरीर में, मतलब भाई इसके भजन सुन लिया, अगर बीच में भजन रोक दिए तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, धीरे धीरे कहानी चलती रही और मेरा भी रुख ना परमात्मा की तरफ हो गया, धीरे धीरे मैंने मतलब ये जो फिल्मी लाइन थी ना वो मेरी छुट्टी चली गई और परमात्मा की तरफ ध्यान होते ही, ऐसे एक दिन मैंने वीडियो देखा मनु भैया का, मनु भैया ने बड़े चमत्कार दिखाए भूत के प्रेत के, बहुत मैंने काफ़ी वीडियो देखे उसके, वीडियो देखने के बाद फिर मैं एक दिन आया, मैं चल तू भी चल, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता था, मैं अपनी पूछ के आऊँगा कुछ, फिर यहाँ पर आया मैं, वहाँ इनका दाम वहाँ था पहले दीनपुर में, तो वहाँ गया तो वहाँ पूछा मैंने, तो जो चीज़ थी उन्होंने बता दी इस तरह से ठीक है भाई अपना इलाज करा रहा, वन वगैरह करा दो, फिर मैं मेरे को अच्छा लग गया और बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक थी इनकी, फिर मैं इनको भी लेके आया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह मेहरा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं नजबड़ में रहता हूँ। अच्छा, आपको कैसे लाए, क्या प्रॉब्लम थी? जी मैं क्या नाम है, मतलब इतना भगवान में विश्वास तो था लेकिन क्या नाम है, इतना मतलब भगवान की तरफ था नहीं, लेकिन जब से क्या नाम है ये मेरे को यहाँ सन्निधान पे लेके आए और यहाँ पर आके मनु भैया जी के कहने में जैसे ही संपर्क में आया ना मैं, मेरे को मतलब ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ पर सच्चाई के अलावा कुछ है ही नहीं, जो बातें ये बताते हैं, जो चीज़ें ये बोलते हैं वो सब कुछ मतलब एक सच लगता है। और आपको लाभ क्या क्या हुए? लाभ तो मैं गिनवा ही नहीं सकता कि लाभ क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, मतलब उससे परे की चीज़ है, लोग देख रहे हैं आपको। वो परमात्मा से जो मेरा मनु भैया ने मिलन करवाया ना, मैं बस उसको ही परम मानता हूँ, वही सब कुछ। और मैं अब ना तो ये इस भक्ति लाइन को मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे को तो क्या नाम है जो जिंदगी इनसे मिली है ना मेरे को कहीं नहीं मिल सकती थी, मैं इनका बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अरे सनी धाम के लिए तो मैं क्या नाम है यहाँ पर एक कुत्ते के बराबर हूँ, मैं क्या नाम है अपना यहाँ इसकी वफादारी नहीं छोड़ सकता। जय सनी देव। जय सनी देव। तो प्रभु इनके तो जो आप इन्होंने बताया अपने बारे में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे साथ है कि मैं अभी जो पता करने के लिए आया हूँ क्या है, मनु भैया जी मेरे को सपने में आती हैं, मैंने गुरु भी नहीं बनाया इनको, गुरु ही मेरे कोई और हैं, और जो मैं जहाँ बैठता हूँ ना मैं भी एक अपनी चौकी लगाता मंदिर में जैसे बैठता हूँ, तो वहाँ जो आते हैं तो अब तक कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं गया जिसका आराम ना हुआ, सभी को फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा। और मैं समझता काम मैं करता भी नहीं हूँ कैसे हो जाता है, जैसे कोई बंदा दारू पी रहा है 20 साल 30 साल से दारू पी रहा है और मेरे से परमात्मा शरण में आ गया मेरे पास, मैंने बोल दिया तू दारू छोड़ दिया कल से, उसने कल से दारू छोड़ दी, और किसी के अंदर जैसे भूत प्रेत हैं वो आते हैं तो उनको तकलीफ हो, मैं जहाँ मैं बैठता हूँ ना वहाँ उस मंदिर में परमात्मा सामने जाते हैं तो अपने आप निकल के भाग जाते हैं, नाम मेरा होता है करते हैं परमात्मा, मैं कुछ कर नहीं सकता ना, मैं कोई करने लायक हूँ, करने लायक वाले वही हैं, वही करते सब कुछ, लेकिन नाम हो जाता है मेरा, उन्होंने किया है मैं कुछ नहीं करता, करते हैं वही। जय श्री राम। रियल बात यही है। जय श्री राम।